उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की जितनी ट्रिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की ट्रिक जो है यार, अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हो, किसी भी दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डिवीजन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, उसमें हम पे इनवर्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी तीनों ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एडिशन और सबट्रैक्शन इतना ईजी है, जितना टाइम आप लगाओगे कैलकुलेटर में डालने में उतना आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मसला होता है मल्टीप्लीकेशन का, कि मल्टीप्लाई आप किस तरह करोगे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो मल्टीप्लाई सीख लेते हैं क्या करना है। देखो, अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपल, आप मॉड पे जाओगे, मॉड में मैट्रिक्स का ऑप्शन 6 आ रहा है, आप 6 दबा दोगे। उसके बाद आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाओ, आप 1 पे हैं तो आप 1 दबा दो। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, लेट से 3x3 सेलेक्ट करते हैं, 1 पे क्लिक कर दो, ठीक है। मैट्रिक्स बना लो, लेट से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई। जब आप मैट्रिक्स बना लो तो आप ये एसी का बटन दबाओगे, ठीक है, बाकी को और बटन नहीं दबा देना, एसी के बटन दबा दो। उसके बाद आप शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाने के बाद गौर से देखो, 4 के ऊपर भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो आप 4 दबाओ। उसके बाद 1 के ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि अभी आपको और मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अगर लेट से आप बना नहीं चाह नहीं बना लेते हैं हम आसानी के लिए, तो 1 पे जाओ आप। उसके बाद लेट से मैट्रिक्स बी आप पुट करो, 2 का बटन दबाओ, फिर आप अगेन 3x3 की सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको फिल कर दो, लेट से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये आपने एक और मैट्रिक्स बना ली, एसी का बटन दबा दो। अब आपने करना क्या, लेट से अगर आपको सवाल में बोला जाए कि ए और बी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप शिफ्ट दबा के 4 पे जाओ, 3 पे मैट्रिक्स ए है, तो आप 3 दबाओ, मैट्रिक्स ए आ गई, मल्टीप्लाई, दोबारा शिफ्ट और 4 पे मैट्रिक्स बी है, 4 दबाओ, तो ये क्या आ गया, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। आप इसको इक्वल करो, ये आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स, तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ऐड करना चाह रहे हो, अगर आप बेवकूफ़ हो कि एडिशन आप कैलकुलेटर से करो, तो जहां आपने मल्टीप्लाई का निशान डाला था वहां आप ऐड का निशान डाल देना, ठीक है, तो आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। उसके बाद लेट से अगर आपसे सवाल में बोला जाए, अभी तो मैंने ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया ना, अगर सवाल में आपसे बोला जाए कि आप ए स्क्वायर फाइंड करो या ए क्यूब फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, अगेन शिफ्ट और 4 दबाओ, 3 पे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का आपने स्क्वायर करना है, मतलब मैट्रिक्स ए को उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, मैट्रिक्स ए का ये स्क्वायर का बटन है आप दबाओ, ये मैट्रिक्स ए का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको मैट्रिक्स ए का क्यूब फाइंड करना है, मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो आप कैलकुलेटर में क्या लिखोगे, शिफ्ट 4, अगेन 3 ऑप्शन पे जाओ जो मैट्रिक्स ए है। अब आपको क्यूब फाइंड करना है इसका। अब देखो, क्यूब फाइंड करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तरीका ये कि आप ये वाला बटन दबाओ, ठीक है, ये बटन जब आप दबाओगे तो यहाँ पे आप क्या लिखो, 3 लिख दो। एक इस तरह भी क्यूब कर सकते हो, इस तरह करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह आप नहीं कर सकते। तो फिर आप दूसरा तरीका क्या है, ये वाला बटन अगर आप गौर से देखो, इसके ऊपर क्यूब लिखा हुआ है और ये ब्राउन से लिखा हुआ है, इसका मतलब है शिफ्ट करके आएगा, अभी क्यूब आ गया। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स ए का क्यूब आ गया, तो क्यूब करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद कोई भी हायर पावर है उसको आप ब्रेक कर सकते हो, लेट से A5 आपको कैलकुलेट करना है तो आप ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब कर लो। बाय द वे ऐसा आता नहीं है, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये हो गया क्यूबिक। अच्छा, उसके बाद लेट से अगर आपको कोई मुश्किल सी इक्वेशन गिवन हो, ए स्क्वायर माइनस 5A+3i, इस तरह आपके पास कुछ लिखा पाओ, ठीक है। अब ये भी बुक का एक तरह का सवाल है, अगर आप देखो 4.1 में मिल जाएगा आपको। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये आई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। आपने अभी तक ए मैट्रिक्स बनाई हुई है, आई कैसे बनाओगे, हमने ए और बी बनाई थी ना, लेकिन आई नहीं बनाई हुई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको बनाने का तरीका अगेन वही, शिफ्ट 4, मैट्रिक्स बनानी है ना आपने, तो आप 1 पे जाओ, बी हमने पहली बनाई हुई थी, लेट से हम सी बनाते हैं, तो 3 पे आप जाओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 3x3 होगा, अगर ए का 3x3 है तो आइडेंटिटी का भी 3x3 होगा। और आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 फिर 0 फिर 1 0 0 0 और फिर 1, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए। अब लेट्स से अगर आपने ये वाली मुश्किल सी इक्वेशन, मतलब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह फाइंड करोगे, शिफ्ट 4, 3 पे मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर करो, माइनस 5 मल्टीप्लाई अगेन मैट्रिक्स ए है, तो शिफ्ट 4, 3 पे मैट्रिक्स ए है,
फिर क्या है प्लस 3 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कैलकुलेटर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने सी पे पुट की थी, तो सी किस पे, 5 पे, तो 5 दबाओ। अब अगेन ये मुश्किल सी कंडीशन जो आपने यहाँ बनी हुई थी वो आपने लिख दी है, अब आप इक्वल का बटन दबाओ, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर पेपर में ये आए तो आप आसानी से कैलकुलेटर में आंसर निकाल सकते हो। तो पहली ट्रिक तो ये थी कि जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टाइप की मल्टीप्लिकेशन अगर आपने करनी है तो आसानी से आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। एक मुश्किल टाइप की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, ये भी बुक का ही सवाल है, जैसे ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3 और बी मैट्रिक्स क्या है, ये मैंने बुक का सवाल ही कॉपी कर दिया, ये 4.1 नहीं, ये MCQs का है, बुक का नहीं, MCQs में आया था ये NID के पास पेपर में। अब इसमें इस टाइप की मैट्रिक्स है, इसको किस तरह पुट करोगे ये देख लो। तो लेट से अगर आपने 0 से जाना है, स्टार्ट से जाना है, तो 6 दबाओ मैट्रिक्स का ऑप्शन, मैट्रिक्स ए आपने ये पुट करनी है, तो 1 पे जाओ। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3, 1 रॉ है, 3 कॉलम है। अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही कहीं, ठीक है, तो आप ये नीचे वाला बटन है ये दबाओ, ये जो बटन है ये दबाओगे अब आपको नज़र आ जाएगी, 1 पे है 1/3, तो 1 दबा दो, ठीक है, पुट करो। सबसे पहले 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है, तो ये आपने मैट्रिक्स ए पुट कर दी। AC का बटन दबा दो, फिर आपने मैट्रिक्स बी पुट करनी है, अगेन 1 पे जाओ, मैट्रिक्स बी 2 पे है, ऑर्डर मैट्रिक्स बी का 3/3 है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू पुट करना इजी है, -5 लिखो, इक्वल का बटन दबाओ, 4 लिखो, इक्वल का बटन दबाओ, 0 लिखो, इक्वल का बटन दबाओ, इसी तरह बाकी भी आप पुट कर दो, 3, 9 और फिर 6। अच्छा कुछ एक मिस हो गया दरमियान में, तो छोड़ दो उसको, हमें कौन सा एग्जैक्ट लाना है। बहरहाल हमने 3/3 मैट्रिक्स पुट कर दी है। AC का बटन दबा दो, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, अगेन शिफ्ट मैट्रिक्स ए है सबसे पहले, मल्टीप्लाई शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी है, ठीक है, इक्वल का बटन दबाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स। अच्छा इसका ऑर्डर क्या था, 1/3 था, इसका ऑर्डर क्या था, 3/3 है, ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3 है। तो देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए की रॉ है इसके अंदर और 3 कॉलम है, 22, 26 और 21, ये 3 एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सेकंड ट्रिक अगर आप देखो इसके अंदर, तो आपके पास 3 ट्रिक्स आएंगी एक साथ। सबसे पहले ट्रिक क्या है, आप सबसे पहले एक लेट कर लो, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और मैट्रिक्स ए को हम लेट कर लेते हैं 1, 3, 5, 2, 4, 7, 9, 8, 6। अब इस मैट्रिक्स के साथ आपको 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, ये इसलिए क्योंकि अगर मैं पुरानी जो ये मैट्रिक्स थी ना उसका डिटरमिनेंट 0 था तो इनवर्स मैं नहीं फाइंड कर पाता, तो एक मैंने फ्रेश मैट्रिक्स चूज़ की है। सबसे पहले इसको पुट कर लो, अगेन मॉड पे जाना है, 6 पे मैट्रिक्स है, 1 पे मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर क्या है, 3/3, ठीक है, इसको मैं पुट करता हूँ, ये मैंने मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब आप AC का बटन दबा दो, सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि अगर आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो किस तरह फाइंड करोगे, AC का बटन दबाने के बाद शिफ्ट 4, 7 पे डिटरमिनेंट नज़र आ रहा है, DET लिखा हुआ है, तो आप 7 दबाओ, किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ए का जो आपने पुट की थी, शिफ्ट 4, 3 दबाओ, DET मैट्रिक्स ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इक्वल दबाओ, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, 21 आ रहा है, तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट निकालोगे। उसके बाद सेकंड चीज़ है, अगर आपने इनवर्स निकालना हो, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको ए और आपने इसका इन्वर्स निकालना, तो अगेन शिफ्ट 4 पे जाओ, कौन सी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना ना, तो 3 दबाओ। अच्छा इन्वर्स का बटन ये वाला, अगर आप गौर से देखो इस बटन पे लिखा हुआ है x-1, ठीक है, तो आप ये वाला बटन दबाओ, ठीक है, ज़रा मैं करीब से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, मे बी आप लोगों को फाइंड करने में मसला हो इसको, ये वाला बटन है, ये मिट गया लेकिन x-1 लिखा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, तो इन्वर्स निकालना है तो आप ये वाला बटन दबाओ, मैट्रिक्स ए इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए का इनवर्स। अच्छा यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो पॉइंट में शो हो रहा है -1.523 और नीचे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है -32/21, तो अगर फ्रैक्शन चाहिए आपको नीचे से फ्रैक्शन देखो, पॉइंट चाहिए तो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, तो इस तरह आप इनवर्स निकाल लोगे। तीसरा प्रोसेस ये कि अगर आप एडजॉइंट निकालना, अब एडजॉइंट का बटन नहीं है कैलकुलेटर में, आपको बटन नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है जो इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना, आप डिटरमिनेंट को यहाँ पे लिखो, ठीक है, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट, तो आप वही करो, इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिटरमिनेंट से, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले इनवर्स किस तरह लाओगे, अगेन 3 पे मैट्रिक्स ए है, ये वाला बटन दबाओ, ये आ गया इनवर्स, मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए,
शिफ्ट 4-7 पे जाओ, उसके बाद किसका मैट्रिक्स ए का, तो 3 पे जाओ। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास आ गया है मैट्रिक्स ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। इक्वल दबाओ, ये जो आपके पास पूरी मैट्रिक्स आई है ये आपके पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो है ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज किस तरह निकालोगे, आप कैलकुलेटर से ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो। अब ट्रांसपोज निकालना वैसे मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास सवाल में आए एक मैट्रिक्स गिवन हो आपको जस्ट ट्रांसपोज निकालना है तो आप रॉस को कॉलम में बदल दो, वो मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन एक एनडी के पास पेपर में सवाल था, वो मैं एज इट इज़ कोट कर देता हूँ, ट्रांसपोज ये था। ठीक है, अगर तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या, देखो सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसका ट्रांसपोज ले लो, जो मैट्रिक्स आएगी ना इसको मैट्रिक्स ए बोल दो, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको बी बोल देना। ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देना। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे, आप इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले पुट करो, 1 पे मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2, 3/2 2 पे आ रहा है, पुट करो आप। ठीक है, ये आपने मैट्रिक्स बी पुट कर दी। अब आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। तो आप कैलकुलेटर कैसे करोगे, मतलब कैलकुलेट कैसे करोगे, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए कैसे आएगी 3 पे, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। अगर आप शिफ्ट 4 दबाओ तो ये 8 ऑप्शन पे TRN लिखा हुआ है, मतलब ट्रांसपोज। तो आप 8 दबाओ, किसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए 3 पे आएगी, सॉरी मैट्रिक्स बी का, बी का हमें ट्रांसपोज लेना था और वो 4 पे आएगा। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो तो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, अगर आप इसको फाइंड करो तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो एक दो तरीका ये कि आप डायरेक्ट यहीं पे ट्रांसपोज ले लो और फिर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट आप इन दोनों को पुट करो, ट्रांसपोज भी ना लो, कैलकुलेटर में आप ट्रांसपोज का ऑप्शन दबा के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स से रिलेटेड यही आपके पास सारी ट्रिक्स हैं। चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स हैं, ग्रुप आप कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते। 6 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप चैप्टर 7 पे आ जाओ, चैप्टर 7 पे बेसिक सी कुछ चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको सबसे पहले इसको 1 पे हम नॉर्मल कैलकुलेटर कर देते हैं, लेट्स से अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, चैप्टर 7 में फैक्टोरियल था और आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये वाला बटन जो मैंने इन्वर्स का बताया था ना उसके ऊपर ही अगर आप गौर से देखो तो फैक्टोरियल का भी है। ठीक है, तो आप वही 5 फैक्टोरियल दबाना है, आप शिफ्ट दबाओ और ये वाला बटन दबाओ, आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा, इक्वल का बटन दबाओ और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स से अगर आपको फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल शिफ्ट दबा के ये वाला बटन, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 शिफ्ट दबा के ये वाला बटन फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, बेसिकली ये आपके पास 5C3 है, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हो। दूसरी ट्रिक क्या होगी, अगर आपने कम्बिनेशन सॉल्व करना है, मतलब NCR, लेट्स से अगर आपको 5, अगर आपको बोला जाए कि 5C3 मालूम करना है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5C3, तो किस तरह फाइंड करोगे, सबसे पहले 5 लिखो, उसके बाद गौर से देखो ये NCR का बटन है, ब्राउन से लिखा हुआ, इसका मतलब है शिफ्ट दबा के आएगा, शिफ्ट NCR का बटन। ठीक है, और 3 है ना, 3 दबा दो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, तो आप कम्बिनेशन इस तरह सॉल्व कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको परम्यूटेशन फाइंड करनी है, लेट से 40P4, ये आपको मालूम करना है, तो आप कैलकुलेटर में लिखोगे 40 NPR परम्यूटेशन इस वाले बटन से आ रही है मल्टीप्लाई वाली, तो आप शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई करो, पी आ गया 40P4, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 7 से रिलेटेड ये ट्रिक है आपके पास, इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे।